तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये प्लॉट का डायमेंशन है, इसके ऊपर हमने 3 कमरों का नक्शा बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमने इसे बनाया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके के हाउस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हमारा डीपीसी लेवल होने वाला है इसमें वो है ज़मीन लेवल से, यानी कि 2.5 फीट के हाइट पर हमारा ये डीपीसी लेवल होने वाला है। व्हाइट कलर से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हमारा ज़मीन का लेवल था। इस पर जो हमारा येलो कलर से है वो हमारा बीम का आ जाएगा मार्क। बीम हमने कुछ इस तरीके से टोटल मार्क कर रखे हैं। बीम का साइज 10 इंच बाय 10 इंच का रहेगा, टोटल कुछ इस तरीके से है। और उसी के साथ आप लोग पिंक कलर से देख पा रहे होंगे ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे कॉलम्स। कॉलम्स का साइज हमारे पास 10 बाय 10 इंच का रहेगा, और टोटल जो कॉलम्स है इस प्लॉट में वो हमने 22 कॉलम्स दे रखे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। उसी के हिसाब से हमने 22 कॉलम के साथ इसको प्लान को बनाया हुआ है। तो देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से प्लान हमारा लगने वाला है। डीपीसी और कॉलम लेवल हमने इस पर शो किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर ब्रिक वर्क के बाद एक बार देख लेते हैं प्लान हमारा किस तरीके से बनता है। तो गाइस ब्रिक वर्क हमने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा रहने वाला है फ्रंट। फ्रंट में हमने यहाँ पे एक हमारा मेन गेट आने वाला है, यहाँ पे 7 फीट का हमारा ये लगभग मेन गेट का जगह है। यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स और रैम की जगह दे रखी है। रैम क्योंकि हमारे पास ये पार्किंग का स्पेस रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे रैम का प्रोविजन दिया हुआ है। तो ओवरऑल कुछ देखने के बाद इस तरीके से रहेगा। चारों तरफ की वॉल्स हमने यहाँ पे 10 इंच की वॉल रखी हुई है। राइट साइड में देखते हैं कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन, बैक साइड में वेंटिलेशन है हमारे पास, और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन मिलते हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं हमारे पास आ जाता है स्टेयर केस, यानी कि जीना का एरिया। इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टेयर केस का जगह मिलता है, क्योंकि ये गाँव का ज़मीन है। इसमें लेफ्ट साइड से भी प्लॉट का डोर के लिए एंट्रेंस की जगह है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से स्टेप्स बनाए हुए हैं, जो बैकडोर का काम करता है ये, कुछ इस तरीके से वो दिखने वाला है। तो कुछ इस ओवरऑल कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। अब हम लेके एक बार डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि प्लॉट पे हमने किस तरीके से साइजेस वगैरह दिए हुए हैं। तो मेन एंट्रेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस है, जिसका जो टोटल चौड़ाई रहने वाली है 6 फीट 7 इंचेस की टोटल चौड़ाई है, 10 फीट 5 इंचेस की लंबाई है, जिसमें हमारा बरामदा और पार्किंग एरिया दोनों हमारा यही काम कर जाता है। यहाँ पे मेन गेट जो लगेगा वो इस जगह पर लग जाएगा स्टील का, और कुछ इस तरीके से हमारा पार्किंग बनेगा। यहीं से एंट्री करते हैं, राइट साइड में हमें एक डोर मिलता है जिसके साथ हम लोग घुसते हैं। यहाँ पे ये हमारा लिविंग एरिया, जिसका जो साइज रहने वाला है वो है 11 फीट 10 इंच बाय 10 फीट 5 इंच का हमारा ये लिविंग एरिया रहने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये 7 फीट चौड़ा बरांडा मिल जाता है। बरांडा से आए हम लोग लेफ्ट बढ़ते हैं, हमारे पास एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। 9 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 10 इंच का हमारे पास ये डाइनिंग स्पेस मिलेगा। उसी से लग के हमने यहाँ पे बनाया हुआ एक किचन, इसकी चौड़ाई रहने वाली है 11 फीट 5 इंच बाय 10 फीट का हमारा ये रहने वाला किचन, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है बड़े किचन बड़े रूम्स का। तो हमने इसी तरीके से बड़ा किचन बनाया हुआ है, 11 फीट 5 इंच बाय 10 फीट का हमने यहाँ पे किचन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग यहाँ देखते हैं फ्रंट में हमें मिल जाता है एक मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज रहने वाला है वो है 13 फीट बाय 11 फीट 5 इंच का हमारे पास ये मास्टर बेडरूम टोटल रहने वाला है। इसकी एंट्री हमने यहाँ से दे रखी है। इसी के पास हमारे पास एक टॉयलेट मिल जाता है, कॉमन टॉयलेट 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 6 इंच का हमारे पास ये कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक ओपन की दिया हुआ है। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर बेडरूम में हमारे पास एक मिल जाता है ये स्टोर रूम। स्टोर रूम का जो साइज रहने वाला है वो 10 फीट 5 इंच बाय 4 फीट का हमारे पास ये स्टोर रूम का साइज रहने वाला है। स्टोर रूम के फ्रंट में ही हमें मिल जाता है 5 फीट 10 इंच बाय 7 फीट का पूजा रूम। पूजा रूम हमारे पास काफ़ी बड़ा साइज का है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसे थोड़ा सा बड़े साइज में बना के दिया हुआ है। दो रूम्स हमारे पास रह गए, वो हमारे पास यहाँ पीछे मिल जाते हैं। 11 फीट 5 इंच बाय 11 फीट 5 इंच का ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में हमारे पास एक ये बेडरूम मिल जाता है, इसकी एंट्री यहाँ से रहेगी। और इसी कॉमन टॉयलेट के पीछे चलते एक हमारे पास एक और कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। 4 फीट बाय 6 फीट में हमारे पास एक ये कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। इसी के बगल में हमारे पास एक बेडरूम मिलता है 11 फीट 5 इंच बाय 13 फीट का, एक हमारे पास ये बेडरूम निकल के आ जाता है। इसमें हमने सारे वेंटिलेशन के लिए विंडो को पूरा कटआउट कर दिया, कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रंट से ऐसा है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड में, और बैक साइड से भी कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है। स्टेयर केस का हमने यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है 7 फीट इसकी रहने वाली चौड़ाई, टोटल 15 फीट इसकी रहने वाली है लेंथ। तो कुछ उस तरीके से हमारा रहेगा स्टेयर केस का एरिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइज ओवरऑल कुछ इस तरीके से था हमारा 3 BHK का हाउस का प्लान, 3 कमरों का मकान का नक्शा। तो कैसा लगा हमारा आज का प्लान हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी को पूरा देखने के लिए कि हम इसके ऊपर 3D बनाने के बाद ये टोटल बिल्डअप करने के बाद किस तरीके का डिज़ाइन बन के आता है, उस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें। हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। और कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा घर का डिजाइन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।